हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद वसीम और मेरे चैनल का नाम है कबूतर केयर। दोस्तों, जैसे ये आपको मालूम था कि हमने मद्रासी बच्चे, घर के बने बच्चे 17 बच्चे हमने चालू करे 10 से 11 दिन में। माशाल्लाह, आज ये मान के चलो 10 से 11 दिन बाद हमने उनको चालू करे, तो धीरे धीरे कबूतर समझ लो, जब हमने चालू करे तो कबूतर एक उधर भग रहा यानी सब दिशाओं में कबूतर भग रहा। 17 बच्चे हमने जब एक साथ चालू करे, जैसे कि पहले हमने चालू करे थे 6 कबूतर, उसके बाद यानी सब टुकड़ी टुकड़ी में हमने चालू करे, उसके बाद फिर हमने एक साथ कबूतर फड़ाना चालू कर दिए 17 बच्चों को, जिसमें से एक बच्चा घायल हो गया था, लपहा बोलते हैं, इससे शिकार हो गया था वो, तो उसके यहाँ कुंदे में जख्म लग गया ना, समझ लो जख्मी हो गया फिलहाल में कबूतर वो। तो हमने 16 बच्चे, हमारे पास घर के बच्चे मद्रासी के बच्चे तैयार हो चुके हैं अब। माशाल्लाह उनकी टुकड़ी सेट हो गई है, टुकड़ी सेट हुई 15 दिन में, 10 से 11 दिन में चालू हुए, 10 से 11 दिन में चालू हो गए भाई, वो 15 दिन में वो सेट हो गए। माशाल्लाह मेहनत खूब लगी यार भाई हमारे को टुकड़ी सेट करने में। और जैसे कि आपको मालूम है, जब आपके घर में कबूतर के बच्चे जब निकलते एक दो, जब आप उनको चालू करते हो तो आपकी हालत ख़राब हो जाती होंगी, कभी कबूतर यहाँ भग रहा वहाँ भग रहा, परेशान होते होंगे। तो भाई सोचो कि मैंने 17 बच्चे ख़ास तौर पर मद्रासी के कैसे मैंने चालू करा हूँ, कितनी मेहनत मेरे को लगी होगी मद्रासी के बच्चे में। तो ये बैठे हुए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये 16 बच्चे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, और एक बच्चा घायल है, तो उसको हमने, हमारे पास नीचे वाला सेटअप है, हमने उसको वहाँ रख दिया अभी फ़िलहाल में। और हमने जब भी ये टुकड़ी हमने चालू करे तो भाई हमने स्टार्टिंग में 2 से 3 बार दाना, हल्का फुल्का दाना और पानी पिला के हमने चालू करे थे, और अब हम सिर्फ पानी पे उड़ाते हैं। और अभी 8 को 5 का में भाई अभी, और माशाल्लाह इनकी उड़ान ऐसी हो गई है कि जब हमने पहले दिन उड़ाए 15 मिनट में बैठ गए, फिर दूसरे दिन उड़ाए 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, यानी समझ लो डेली उड़ाते 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 अब माशाल्लाह इनकी 3.5-4 घंटे की उड़ान हो गई है। अभी समझ लो ऐसी नौबत आ गई भाई इनको कि इनको समझ लो नीचे कबूतर दिखाना पड़ता हमारे को, हमारे छत पे कबूतर दिखाना पड़ता, पिंजरे पे कबूतर बिठाना पड़ता जब जाके बैठते। अब ये बैठते नहीं क्योंकि इनके कुंदे अब खुल गए। अब हमको आपको उड़ा के भी दिखाएंगे भाई, पूरी वीडियो बारीकी से वीडियो देखना। सबसे पहले हम इनको भी फिलहाल में पानी पे उड़ा रहे हैं, अब दाना नहीं खिला रहे, सिर्फ पानी पड़ा रहे हैं। तो हम इसको इनके सामने पानी रखते हैं और फिर आपको नीचे ले आके वो बच्चा दिखाते हैं, घायल वाला बच्चा। देखिए अब ये पिएंगे भाई पानी, वो जब तक के चलते अपन नीचे। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने 16 बच्चे के सामने पानी रख के आ गए हैं, और फिलहाल में हम पानी पे इनको उड़ा रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि आप देख लीजिए, ये वो बच्चा है 17वां बच्चा, जिसको हमने, और हमने इसकी फ्रेंड्स वीडियो बनाए थे, जैसे जख्मी हो गया था तो हमने इसको जो इलाज करे थे और हमने इलाज की इसके वीडियो बनाए थे, जैसे कि आप देख लीजिए जख्म थोड़ा सा फ्रेंड्स थोड़ा सा सही तो हो गया है। ये देखिए यहाँ पर उसको उसको ना पंजा लगा था, यानी ये शिकार हो गया था, फिर बोलते शिकरा बहा, ठीक है। अभी थोड़ा ठीक हो गया, फिर भी हम इसको यहाँ रेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि हम क्या है ऊपर हमारे सब कबूतर खुलते हैं और साथ में ये भी खुलता है, फिर ये उड़ने की कोशिश करता है, तो उड़ने में क्या है फ्रेंड्स, इसके जो इसका जख्म है वो ताज़ा रहेगा, वो ताज़ा रहेगा तो जल्दी से सही नहीं होगा। अब यहाँ कबूतर क्या है कुंडे में रहते, तो यहाँ इनको रेस्ट मिल जाएगा उस बीच के अंदर,
तो माशाल्लाह ये बच्चा बहुत ज़बरदस्त है, उसकी उड़ान बहुत प्यारी उड़ान थी फ्रेंड्स। देख लीजिए आप, देख लीजिए आप इसके, आप रिंग देख लीजिए आप, ये देखिए मद्रासी का बच्चा है ये, दोगली आँख का फ्रेंड्स ये। तो बच्चा कैसा लगा ज़रूर बताना, और हमारी फ्रेंड्स मेहनत कैसी लगी आप ज़रूर बताना वीडियो के अंदर। 15 दिन में हमने उनको सेट कर दिए, पहले दिन उड़ाया इधर भग रहे उधर भग रहे, कम से कम 15 दिन मान के चलो 10 दिन तो कबूतर सेट ही नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे हमने उसको 15 दिन के अंदर तैयार करे। और फ्रेंड्स मैं 2 दिन से अभी बाहर था, मैं 2 दिन से इंदौर गया था, मैं इंदौर में कुछ काम से गया था तो 2 दिन से खुले नहीं है। और इंशाल्लाह आज इनको हम उड़ाएंगे और आपको पूरी टुकड़ी बना के बताएंगे कि हमारी कबूतर की मद्रासी कबूतर की टुकड़ी सक्सेसफुल होगी बच्चों की। और भाई वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में और लाइक करके ज़रूर बताना आप, क्योंकि एक दो बच्चे चालू करते होंगे तो परेशानी जब वो होती होंगी वो आपको मालूम है। बाकी यार 16-17 बच्चा भाई मैंने चालू करा होंगे, सोचो कि कितनी मेरे को परेशानी हुई होगी। तो खैर वो तो अपना शौक है, परेशानी वाली बात ही नहीं है, फिर भी एक शौक है। और आपको इस वीडियो में बताना ज़रूरी था कि किस तरीके से बच्चे चालू करना चाहिए, कैसे चालू करना चाहिए, कैसे सेट करना चाहिए। तो अब हम वापस चलते ऊपर, अब पानी वानी पी लिए होंगे और बाकी की वीडियो हम आपको ऊपर दिखाते हैं भाई ना। फ्रेंड्स अब बच्चों ने पानी पी लिया है, अब उनको पिंजरे में बिठाते हैं और आपके सामने उनको उड़ाते हैं, ठीक है देखना आप। देखिए फ्रेंड्स आज हमने पिंजरे के अंदर कोई से भी कबूतर नहीं बैठा है, ठीक है। जब हम चालू कर रहे थे तो पिंजरे के अंदर कबूतर बैठा के चालू कर रहे थे, नए बच्चे थे और रॉन्ग नहीं बैठे हैं, थक के आके पिंजरे के ऊपर ही आने बैठक बना लिए थे। अब जैसे मद्रासी कबूतर है फ्रेंड्स, और आपको तो मालूम है मद्रासी कबूतर छतरी पर बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर पिंजरे पर ही सेट होता है वो। तो हमने हमारी छतरी फ्रेंड्स खोल दिए थे, ये देखिए हमने छतरी खोल के रख दी है क्योंकि वो छतरी पर नहीं बैठे थे, पिंजरे बैठे थे। तो हमने पिंजरे की आदत डाले है। और फ्रेंड्स हमारी टुकड़ी उड़ रही है तो हम आपको टुकड़ी दिखा देते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये 16 की टुकड़ी आप देख लीजिए आप, माशाल्लाह ये अभी 8:15 हो चुके हैं और माशाल्लाह ये मान के चलो 3.5-4 घंटे बाद इनको कबूतर खोल के उतारना पड़ेगा। तो आप खुद ध्यान से देखिए, और जब हम इनको चालू कर रहे थे तो ये बिखर के उड़ रहे थे, और माशाल्लाह आज इनकी टुकड़ी ऐसी सेट हो गई कि वो अपने कभी एक गलती से भी कबूतर एक अलग होता है तो उसमें फटाफट आके फ्रेंड्स मिल जाता है। तो आप ज़रूर बताइए अभी फ्रेंड्स, ये देखिए आप टुकड़ी देख लीजिए आप, और फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताना आप कि हमारी मेहनत फ्रेंड्स कैसी लगी आपको।
और फ्रेंड्स माशाल्लाह बहुत लंबी लंबी जाती है। ये मान के चलिए कि इनका जब मूड बन जाता है तो ये एक एक किलोमीटर, डेढ़ डेढ़ किलोमीटर, दो दो किलोमीटर लंबी लंबी जाते ही है। अभी ये मान के चलिए कि अब ये समझ लो घर से दूर हो गए। अब देखिए आप, पहले ये सर पर उड़ रहे थे, अभी जा रहे समझ लो घर से दूर। तो फ्रेंड्स हमारी मेहनत आपको कैसे लगी आप जरूर बताना कमेंट्स में, और लाइक करके फ्रेंड्स जरूर बताना। और जैसे कि फ्रेंड्स हम दो दिन से इंदौर में थे, बाहर थे, और इनको दो दिन का समझ लो रेस्ट मिल चुका है। और माशाल्लाह डेली इनकी 3.5-4 घंटे उड़ान थी, और जब दो दिन का रेस्ट मिला है तो अब देखिए अब कितने घंटे फ्रेंड्स उड़ते ही है सिर्फ पानी पे। अभी मान के चलो जहाँ तक के हमारा अंदाज है 5-5.5 घंटे बाद ये नीचे उतरेंगे, या फिर हमको कबूतर खोल के उतारना पड़ेंगे। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, और हमारी मेहनत कैसी लगी। अभी फ्रेंड्स आपको हमारी हालत थोड़ी लग रही होगी, हम इंदौर से रात में 4:30 बजे करीब आए, तो एक बार मैं आपको और टुकड़ी दिखा देता हूँ कि टुकड़ी अभी कहाँ चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स कभी आपको दिख रही है तो देखिए फ्रेंड्स कभी आपको दिख रही है तो वो सामने आ रही है, वो सामने वापस तरफ निकल गई। वो ये देखिए आप, जिसके हमारे माशाल्लाह पूरे घर के मद्रासी बच्चे हमने सेट कर लिए, 17 बच्चे सेट होने के बाद जिसमें से एक बच्चा घायल हो गया है और अब 16 बच्चे उड़ रहे फ्लैट। अभी आप फ्रेंड्स देख रहे होंगे कि आसमान पूरा खाली है, देख लीजिए आप। तो फ्रेंड्स से मांगे चलो बहुत लंबे अभी ये चले गए 16 बच्चे, काफ़ी लंबे इस बिल्डिंग के उधर लंबे चले गए। और जब ये वापस आएंगे जब आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। माशाल्लाह फ्रेंड्स इनकी उड़ान ज़बरदस्त हो गई है समझ लो। देखिए फ्रेंड्स कभी आपको दिख रही है तो अब ये सर के ऊपर आ रही है फ्रेंड्स, देखिए आप ये काफ़ी लंबी चली गई थी, 15 मिनट बाद ये वापस आई है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप। और फ्रेंड्स हमको आपको पूरी वीडियो बता रहे हैं कि आपको बाकायदा कबूतर हमारे दिखे, कहाँ चल रहे कहाँ नहीं चल रहे, क्योंकि टुकड़ी बनाना मामूली बात नहीं होती फ्रेंड्स, क्योंकि कबूतर की टुकड़ी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो ख़ास तौर पे मद्रासी हुए, पंजाबी हुए, देखिए अभी सर के ऊपर एकदम माशाल्लाह उड़े, देख लिया अब 16 है बच्चे आले। और देखिए आप अभी वापस लंबे निकल गए अभी। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स मद्रासी कबूतर के बच्चे की, अब ये मान के चलो हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो गई है, सक्सेसफुल हो गई फ्रेंड्स हमारी मेहनत। अब ये मान के चलो ये टुकड़ी अब अलग नहीं होती, एक साथ ही उड़ती है, वो माशाल्लाह काफ़ी लंबी लंबी जाती है। और ख़ास तौर पे हमारी मेहनत कैसी लगी अब बताइए ज़रूर आप, लाइक करके कमेंट्स करके। देखिए फ्रेंड्स अब ये नीचे आ गई है टुकड़ी, माशाल्लाह
नीचे ऊपर या फिर जो उनका मूड बनता है, तो काफ़ी लंबी चली जाती है टुकड़ी वाली, काफ़ी लंबी निकल जाती है। तो मद्रासी का बुजुर्ग टुकड़ी एक तरह से ऐसी होती है, नीचे ऊपर काफ। देखिए फ्रेंड्स, इनकी मद्रासी की टुकड़ी फ्रेंड्स ऐसी होती है, नीचे ऊपर होने के बाद काफ़ी लंबी चली जाती है। और इनके अंदर फ्रेंड्स स्पीड भी आप देख लीजिए, काफ़ी स्पीड से उड़ रहे हैं। और जब हमने इनको जब चालू कर रहे थे कि इनके साथ में हम बड़े कबूतर भी उड़ा रहे थे, अब बड़े कबूतर नहीं उड़ाए, अब सिर्फ हमने उनको सिंगल ही बच्चे उड़ा रहे। देखिए फ्रेंड्स, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो पूरी देखते हो फ्रेंड्स, आप हमारे लिए टाइम निकालते हो। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक बच्चा कम हो गया है, एक कबूतर। अब फ्रेंड्स क्या सुबह का टाइम है ना, तो शायद दूसरे कबूतर में जाके मिल गया हो, एक बच्चा कम लग रहा है इसके अंदर, 15 कबूतर दिख रहे। फ्रेंड्स हमारी मेहनत कैसी लगी यह आप लाइक में और कमेंट्स में ज़रूर बताना। आने वाली वीडियो में आपको और कुछ नया सिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।